हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको हमारे हिंदी के सब्जेक्ट में जो हमारा थर्ड चैप्टर था वाक्य संरचना और शुद्धियाँ, इसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया था। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन था, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के घटक बताइए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में आपको आगे का सेकेंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, वाक्य के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आपको एग्ज़ाम में घुमा के भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह से भी पूछ सकते हो आपसे कि वाक्य की अवधारणा बताइए तथा उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो वाक्य की अवधारणा या फिर उसके भेद एक ही होता है, प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो आपका क्वेश्चन है, वाक्य के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तब इसका आप आंसर नोट करिए। वाक्य का अर्थ है जो कहा जाए या बताया जाए, वाक्य क्रिया का वह रूप होता है। वाक्य का अर्थ होता है जो कहा जाए या बताया जाए, वाक्य क्रिया का वह रूप होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के कार्य व्यापार का संबंध जिस कारण से है, यह बतलाना या फिर यह बताना कि क्रिया का वाक्य क्या है, वह क्रिया का वाक्य कहलाता है। मैं आपको आंसर दोबारा बोल देती हूँ। वाक्य का अर्थ है जो कहा जाए या बताया जाए, वाक्य का अर्थ है जो कहा जाए या बताया जाए, वाक्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म या भाव। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के कार्य व्यापार का संबंध जिस कारण से है, यह बताना कि क्रिया का वाक्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव के विषय में किए गए क्रिया के रूपांतर को वाक्य कहते हैं। की परिभाषा है, वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव के विषय में किए गए क्रिया के रूपांतर को वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कृत काव्य, कर्म काव्य, भाव काव्य। अब कृत काव्य, तो अब मैं कृत काव्य, कर्म काव्य और भाव काव्य की आपको पूरी डिटेल करवा देती हूँ, छोटी छोटी सी है। आप कृत्य काव्य करके आप हेडिंग डाल लीजिए। आपने हेडिंग डाल दी तो मैं इसके आपको डिटेल बोल देती हूँ। कृत काव्य या कृत वाक्य जिस वाक्य में क्रियाकर्ता का प्रमुख रूप से काम करती है, उसे कृत वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे कृत वाक्य कहते हैं। कृत वाक्य में क्रिया का वचन, लिंग और पुरुष हमेशा कर्ता के अनुसार ही होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता की प्रधानता है, अर्थात यह कृत वाक्य है। सेकंड है आपका कर्म वाक्य, हेडिंग डाल लीजिए कर्म वाक्य करके। अब मैं आपको इसकी डिटेल बोलती हूँ। कर्म वाक्य, जिन वाक्यों की क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्म वाक्य कहते हैं। कर्म वाक्य में क्रिया का वचन, लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। यह केवल सकर्मक क्रियाओं में ही होती है। उदाहरण के लिए, रावण राम के द्वारा मारा गया। इस वाक्य में रावण कर्म की प्रधानता है, अतः यह कर्म वाक्य है। तीसरा है आपका भाव काव्य, हेडिंग डाल लीजिए भाव्य वाक्य या भाव वाक्य। भाव वाक्य की डिटेल है, जिस वाक्य में क्रिया किसी भाव या गुण का मुख्य रूप से कथन करती है, उसे भाव वाक्य कहते हैं। ये केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होती है, न कि सकर्मक क्रियाओं में। उदाहरण के लिए, रमेश से गाया नहीं जाता। तो इसमें जो गाना है, वो क्रिया के भाव का मुख्य रूप होता है, अतः यहाँ पर भाव वाक्य है। अब मैंने आपको ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था
वाक्य की अवधारणा बताइए तथा उसके भेदों पर प्रकाश डालिए या फिर वाक्यों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य संरचना के विविध आधारों का परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।